खाई ड्रामा के सेकेंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बरीरा बादल को भगाने में कामयाब हो जाती है जिस पर बादल कहता है कि जमदा कहाँ है तो बरीरा उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ जमदा भी तुम्हारे पीछे आ जाएगी लेकिन बादल कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ तो साथ ही वहाँ बलाज खान आ जाता है तो बादल चुपके से उस पर हमला कर देता है जिस वजह से वो चीख मारता है तो चनार खान भी उठ जाता है और वह फ़ौरन जाता है जिस पर वो देख के हैरान हो जाता है कि बादल खान उसके बेटे को मारकर वहाँ से भाग चुका है अब आप मजीद देखेंगे कि जमदा अपने हर जुर्म का इकरार कर लेती है और वो दुराब खान को कहती है कि मैंने ही तुम्हारे घर की सारी तबाही की है और वो कहती है कि मेरा बादल के साथ रबता था मैंने ही तुम्हारे बेटों को और पोते को मरवाया जिस पर दुराव खान जमदा को गोली मारने लगता है लेकिन वो खुद ही मर जाता है चन्ार खान जमदा को कहता है कि मैं तुम्हारे बादल को नहीं छोड़ूंगा उसने मेरे बेटे को भी मार दिया है और मेरी कैद फरार हो चुका है जिस पर जमदा उसे कहती है कि वह मेरा बादल नहीं है मेरा सिर्फ़ आप हैं और मैंने वैसे भी उसे पकड़वा कर अपनी बेगुनाही का सबूत आपको दे दिया है तो चनार खान उसे कहता है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो वो भाग कैसे गया जबकि मैंने इतना सख्त पहरा लगाया हुआ था तो जमदा उसे कहती है क्या पर शक ना करें मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है जमदा उसे मजीद कहती है कि आपने खुद बल्लाज खान को बादल खान के पहरे पर तैनात किया था तो अब आप ही बताएँ कि बादर खान को भगाने में, में मेरा हाथ कैसे हो सकता है